आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल जो नई किताब है क्लास टेन के लिए ट्रायंगल्स एक्सरसाइज फोर सी सो वन बाय वन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज फोर सी triangle abc is similar to triangle def two triangles and their areas are respectively 64 centimeter square and 120 centimeter square means areas of the two triangles are given area y. if ef is equal to 15.4 cm, find bc ef is given 15.4 cm. you have to find out bc बी सी पता करना है कितना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ फार्मूला इस्तेमाल करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर तो एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ है डी एफ भी दिया हुआ है ई एफ दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड आउट बी सी वेरी सिंपल क्वेश्चन सिक्सटी फोर बाय ट्वेंटी वन Is equal to B C square upon 15.4 square, just put the value, nothing else. So B c will be equal to cross multiply and under root 16 uh, 64 into 15.4 chi square divided by 121. So B c will be under root of this. Under root of 64 is 8, under root of 121 is 11 under root of 15.4 is 15.4 to solve this you will get 11.2 centimeter very simple question number two areas of two similar triangles are a b c and p q r are in the ratio area ka ratio DIY take if b c is equal to 4.5 find q r similar question area ए बी सी बाई पी क्यू आर ये रेशियो दिया हुआ है तो सिंपली विल राइट नाइन अपॉन सिक्सटीन रेशियो इज नाइन अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बी सी इज गिवन फोर पॉइंट फाइव सो पुट हीयर फोर पॉइंट फाइव फाइंड आउट क्यू आर वेरी सिंपल सो क्यू आर विल बी क्यू आर विल गो हियर सिक्सटीन विल गो हियर नाइन विल कम हियर

क्वेश्चन नंबर 3 ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एरिया एबीसी इज इक्वल टू फोर टाइम्स एरिया ऑफ पीक्यूआर इसका एरिया जो है इसे फोर टाइम्स दिया हुआ है मींस रेशियो दिया हुआ है इन अदर सेंस इफ बीसी इज इक्वल टू 12 फाइंड क्यूआर सिमिलर क्वेश्चन जो पहले वाला था इसमें एरिया का रेशियो दिया हुआ है एबीसी अपॉन पीक्यूआर सी ए एरिया ऑफ़ ए बी सी इज़ फोर टाइम्स एरिया ऑफ़ पी क्यू आर एरिया ऑफ पी क्यू आर को यहाँ नीचे ले आओ तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी फोर इसको इधर ले आए तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी फोर सो वी हैव गॉट द फॉर्मूला एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर विल बी बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ठीक कोई भी साइड करिस्पॉन्डिंग होना चाहिए उसका ये स्क्वायर का इक्वल होता है एरिया का जो रेशियो है तो दिस इज फोर एरिया ऑफ ए बी सी बाई पे क्यू आर विल बी फोर सो पुट हीयर फोर विल बी इक्वल टू बी सी इज गिवन टी सी स्क्वायर इज ट्वेल्व स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड आउट क्यू आर सो क्यू आर स्क्वायर इज हेयर तो क्यू आर विल बी अंडर रूट क्यू आर को इधर ले जाओ और फोर को इधर ले आओ सो ट्वेल्व स्क्वायर अपॉन फोर सो क्यू आर विल कम यह सो क्यू आर विल बी अंडर रूट ट्वेल्व स्क्वायर अपॉन फोर ठीक इसमें ये सब ध्यान रखना चाहिए कि ट्वेल्व का स्क्वायर तुरंत मत कर देना ये क्वेश्चन ले दीजिए जाए है ना सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग गया जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अंडर रूट निकालना है तो ट्वेल्व स्क्वायर तो ट्वेल्व स्क्वायर रहने दो फोर का फोर रहने दो तो ट्वेल्व स्क्वायर का अंडर रूट ट्वेल्व का अंडर रूट ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा सो इट विल बी विल्स ठीक तुरंत ट्वेल्व स्क्वायर नहीं निकाल देना है ओके okay. ध्यान रखो सो क्यू आर टू सिक्स इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रंगल आर 169 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली देन इफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रंगल is 26 centimeter largest side suppose a b this is the largest side is 26 centimeter this is 26 centimeter find largest side of the smaller triangle largest side of the smaller triangle so largest largest corresponding largest largest is corresponding they are corresponding sides so area let a b and p q are the largest sides then Area of triangles are 169 and 121. Okay, you know the formula. So, 169 upon 121 will be AB square by PQ square, corresponding side largest and largest. So, largest square by largest square. So, PQ square will be 121 into AB square.

सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ट्रगल एज सिमिलर टू ट्रंगल डी देर एरियाज आर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फोर्टी नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का एरिया दिया हुआ है इफ आल्टीट्यूड ऑफ ट्रग एज फाइव सेंटीमीटर्स फाइन करिस अल्टीट्यूड ऑफ डी ई एफ दोनों का अल्टीट्यूड दिया हुआ है ठीक तो फार्मूला लगभग सिमिलर है क्या फार्मूला है एरिया ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रेंगल पी क्यू आर जैसे पहले था उसमें था साइड का स्क्वायर इसमें है अल्टीट्यूड का स्क्वायर दैट इज द डिफ्रेंस ओके अल्टीच्यूड है मान लिया सपोज ए डी एंड पी एस अल्टीट्यूड मीन्स हाइट हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर एडी इज परुलर टू बी सी दट इज सो ए डी इज अल्टीच्यूड सो एडी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर अल्टीच्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है तो एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ है हंड्रेड एरिया ऑफ पी क्यू आर दिया हुआ है फोर्टी नाइन एडी स्क्वायर मीन्स फाइव का स्क्वायर एडीज गि एडी इज given so 5 square upon ps square it is 5 cm here so ps square को इधर ले आते हैं 100 को इधर ले आते हैं 49 को इधर ले आते हैं so ps will be under root 5 square into 49 see upon 100 ये चला जाएगा इधर

Question number 6. The corresponding altitudes of two similar triangles are 6 centimeters and 9 centimeters. Altitude is the And find the ratio of their areas. Ratio is So ratio of the two triangles, area of two triangles, area suppose ABC and area of PQR. This is the formula will be equal to. AD square upon PS square. AD is the altitude, PS is the altitude. So, you know AD upon PS. 6 and altitudes are given 6 and 9. So, AD is 6 square, PS square is 9 square. So, 6 square is 36, 9 square is equal to 81. Cut it 9, 4 is 36, 9, 9 is 81. So, ratio of two triangles are 4 on nine okay very simple question you can question number seven areas of two similar triangles are 81 centimeter square and 49 centimeter square respectively if altitude of first triangle is 6.3 find the corresponding altitude of the other corresponding फिगर वही वाला रहेगा जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स में था और एरियाज दिया हुआ है एट्टी वन एंड फोर्टी नाइन सो एट्टी वन अपॉन फोर्टी नाइन विल बी इक्वल टू अल्टीच्यूड्स स्क्वायर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्टीच्यूड्स मीन्स डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर सो पी एस विल बी पी एस इधर आ जाएगा एट्टी वन इधर आ जाएगा फोर्टी नाइन इधर चला जाएगा सो पी एस वी गेट फोर्टी नाइन इंटू ए डी स्क्वायर अपॉन एट्टी वन और उसका अंडर रूट ठीक फोर्टी नाइन अपॉन एट्टी वन इंटू सिक्स पॉइंट थ्री का स्क्वायर ए डी इज सिक्स पॉइंट थ्री अल्टीट्यूड इज गिवन सिक्स पॉइंट थ्री 81 सो फोर्टी नाइन का अंडर रूट सेवन एट्टी वन का नाइन सिक्स पॉइंट थ्री स्क्वायर का अंडर रूट सिक्स पॉइंट थ्री इन दोनों को कट करो नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री so 0 0.7 0 0.7 into 7 will be 4.9 next question 8 if areas of two triangles which are similar are 100 cm square and 64 cm square areas are given if a median of a small triangle is 5.6 find the corresponding median of the other करिस्पॉन्डिंग होना चाहिए मीडियन मतलब सपोज ये एक मीडियन है ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रैंगल ए बी सी वन ऑफ द तो उसका करिस्पॉन्डिंग दूसरा एंगल का हो जाएगा ये इफ ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर यू नो द हाउ वी राइट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर मींस एंगल ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू क्यू C is equal to R. This is called corresponding. Okay, you should write in these this way. Anyway, so the formula is area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to AD square upon PS square. This is median, median, square of medians. So 100 upon 64 will be equal to AD square. This AD square. अपॉन पी एस स्क्वा दिस स्मॉल ट्रेंगल स्माल मीडियन ट्रेंगल सो ए डी स्क्ट स्क्वाधर ले आते हैं वेरी सिंपल तो हंड्रेड इंटू फाइव का स्क्वायर अपॉन सिक्सटी फोर हंड्रेड इंट फाइव का स्क्वायर अपॉन सिक्सटी फोर So, रूट so, yeah. हो गया टेन सिक्सटी फोर का अंडर रूट हो गया एट फाइव पॉइंट सिक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया फाइव पॉइंट सो यू 87 एट सेवन सेवन पॉइंट सेवन हो जाएगा पॉइंट सेवन इंटू टेन मीन सेवन सेंटीमीटर इज द आंसर आई थिंक क्वेश्चन नंबर वन टू एट ऑफ एक्सरसाइज फोर सी दैट इज ऑक्ट्रंगल इज क्लियर टू यू Thanks for watching.